हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल शुभा स्टाइल पर। न जाने हमारे देश के अंदर क्या हो रहा है। कभी दिल्ली में मेट्रो के अंदर एक लड़की मिलती है जो बिकनी पहन के सफर करती है, जिसका वीडियो वायरल हो जाता है और वो पॉपुलर हो जाती है, मशहूर हो जाती है। इंसान मशहूर होने के लिए न जाने क्या करता है। मशहूर होने के लिए एक लड़का पैंटी पहनने को तैयार है, ब्रा पहनने को तैयार है, लेडीज के कपड़े पहनने को तैयार है। किसी को देखिए तो वो मेट्रो के अंदर ब्रश कर रहा है क्योंकि वो पॉपुलर होना चाहता है। आज की युवा पीढ़ी जो है वो न जाने किस रास्ते पे चलना चाहती है। कुछ चंद दिन के लिए आप पॉपुलर हो भी गए तो क्या आपकी जिंदगी बन जाएगी उससे? क्या आपको राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? आज की युवा पीढ़ी इस बात को बिल्कुल नहीं समझती, केवल पॉपुलर होने के लिए उल्टे सीधे काम करती सोशल मीडिया पर। अभी रिसेंटली जैसे मैंने आपको बताया कि रिदम जो डेली की है 19 साल की, उन्होंने अपना एक वीडियो वायरल हो गया उनका, जिसमें मेट्रो में वो बिकनी में नजर आ रही है, बहुत शॉर्ट्स कपड़े में नजर आ रही है। अब एक भाई साहब को जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, इनको शौक चढ़ा ब्लाउज और स्कर्ट पहनने का, तो ये मेट्रो में ब्लाउज और स्कर्ट पहन के चलती है क्योंकि इनको भी पॉपुलर होने का बहुत शौक है। हम अपनी सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि वो नई पीढ़ी को किस तरफ ले जाना चाहते हैं और हमारी कंट्री के अंदर जो रूल है उनको किस तरीके से फिक्स करना चाहती है कि इस तरीके के जो बेवकूफों वाले जो काम हो रहे हैं इनको बढ़ावा ना मिले। आप सोशल मीडिया पर अपने आप को वायरल कीजिए, अपने वीडियो डालिए और कोशिश भी कीजिए कि आपके वीडियो वायरल हो जाए, लेकिन वो किसी अच्छे काम के लिए होने चाहिए, किसी ऐसी नेचुरल चीजों के लिए होने चाहिए जिसमें अननेचुरलिटी बिल्कुल भी ना। बिकनी पहन के अपने आप को पॉपुलर करना, आप अगर लड़के हैं स्कर्ट और ब्लाउज पहन के अपने आप को पॉपुलर करना, ये सब कहां की बेवकूफी। जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं वो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या आप क्या सोचते हैं ऐसे लोगों के बारे में, क्या ये मूर्ख है, ये महामूर्ख, या फिर हम इनको इंटेलिजेंट कहें। तो क्या हम पॉपुलर होने के नाम पर हम नंगे घूमे रोड पर? क्या पॉपुलर होने के नाम पर हम कीचड़ के अंदर अपना मुंह मार दें? क्या पॉपुलर होने के नाम पर हम किसी लड़की का रेप करते हैं? क्या पॉपुलर होने के नाम पर हम बूढ़े व्यक्ति को मारना चालू कर दें? या हम पॉपुलर होने के लिए दिल्ली में जैसे कोर्ट पर अभी हुआ था कि एक निहत्थी महिला पर एक वकील ने गोली चला, तो क्या हम ऐसा करें? हम पॉपुलर होने के लिए आखिर ऐसा क्या करें कि हमारा नाम शोहरत में कन्वर्ट हो जाए? ये विचार जो है अपने आप को सोशल मीडिया पर वायरल करने वाले, जनरली मैंने देखा केवल उन लोगों के ही दिमाग में चलता है जो कुछ नहीं करते, और उनको ऐसा लगता है कि इस तरीके की बेवकूफी वाले कांड करने से वो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाएंगे और चंद घंटों में उनके लाखों और करोड़ों सब्सक्राइबर हो जाएंगे। नहीं माय डियर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है कि आपको कुछ लोग कुछ टाइम के लिए फॉलो कर ले, बट आज बाद में वो आपको अनसब्सक्राइब कर ही देंगे क्योंकि आपके अकाउंट में ऐसा कुछ भी नहीं होगा जिससे सामने वाले को इंटरेस्ट आए और उसकी नॉलेज बढ़े या फिर उसे कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग लगे जो उसके फ्यूचर में काम आने वाली चीज हो। ये हरकत केवल कुछ मिनट कुछ सेकंड्स के लिए अच्छी लग सकती है, केवल सोशल मीडिया के किसी प्लेटफॉर्म पर कुछ मिनट या कुछ सेकंड्स के लिए वीडियो देखना अच्छा लग सकता है एज अ एंजॉय, बट उसके अलावा ये कुछ भी नहीं। हमारी सरकार को ऐसे वीडियोस पर जो सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं उन पर कदम जरूर उठाना चाहिए, अदरवाइज हमारी जो युवा पीढ़ी है उसका दिमाग डाइवर्ट होगा और वो किसी ना किसी और डायरेक्शन में चल देगी जहां पर हम ही बाद में कहेंगे कि हमारे बच्चे बिगड़ गए हैं, हमारे बच्चे लाइफ में कुछ नहीं कर पाए। तो गाइज, आप मेरी बात से कितना सहमत है मुझे कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि आजकल जो सोशल मीडिया पर हाल चल रहे हैं वो बहुत गंदे चल रहे हैं। सोशल मीडिया पर अपने आप को वायरल होने के लिए आदमी कुछ भी करता है। तो फिलहाल गाइज, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में कुछ नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, नमस्कार।